नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर शहर के मुख्य चौराहा सरैयागंज टावर चौक के समीप बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था और CTET परीक्षा रद्द होने के विरोध में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे युवा रालोसपा के जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतला दहन का आज पुतला दहन बिहार के प्रत्येक जिला में युवा रालोसपा की ओर से पुतला दहन किया गया है, जो बिहार में बढ़ते हुए अपराध और STET का जो परीक्षा रद्द किया गया है, यह बिहार सरकार बहुत ही गलत की है और बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह सिर्फ अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं और राजनीतिक चेहरा चमकाना चाहते हैं। जिस पद पर वह अपना पद को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इस बार की विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने ठान लिया है तो उनको कुर्सी से उतारने का काम करेगा। और एक तरफ इस लॉकडाउन की अवधि में भी बिहार में बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती चरम छू चुकी है। बिहार की प्रशासन और बिहार की सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कठोर यानी कि कार्रवाई करे और बिहार में अपराध पे लगाम लगा दे। यह बहुत ही परिचय दीजिएगा, बहुत ही दुख की बात है। जो बिहार से लाखों की संख्या में स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं, इस बार की विधानसभा के चुनाव में जनता उनको गद्दी से उतार कर और इस सारी मुद्दों और सारी बातों को देखते हुए उनसे बदला लेने का काम करेगा। युवा रालोसपा जिला अध्यक्ष